सबसेट, ठीक है, नॉन जीरो, नॉन जीरो नहीं है. एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइन अ रिलेशन, ठीक है, कि जब भी रिलेशन तुम लिखोगे वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा. जैसे फॉर एग्जांपल इसी का मैंने लिखा था लास्ट क्लास में, रिलेशन कि ए इज अ कैपिटल ऑफ बी, ए इज अ कैपिटल ऑफ बी लिखा था, तो उसमें मैंने लिखा था जयपुर और राजस्थान, पटना बिहार और लखनऊ उत्तर प्रदेश, राइट. तो ये अगर तुम ए क्रॉस बी करते तो कितने एलिमेंट्स आते इसमें, 12 एलिमेंट्स आते, राइट, 4 × 3 12 एलिमेंट्स आते, तो उसमें से एक सबसेट ये हो गया, राइट. ओके, तो मैंने फिर ये पूछा था तुम लोगों से कि अगर एन ए में मैं लिखूं एन एलिमेंट्स, ए में एन एलिमेंट्स, बी में एम एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, हाँ ये पिछले क्लास का लास्ट पेज था, एम इंटू एन, राइट. और नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे फिर, कितने रिलेशंस पॉसिबल है इससे, 2 to the power n, ठीक है, 2 to the power m into n, राइट. ऑलराइट, आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, तो और वो लास्ट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि टाइप्स ऑफ रिलेशंस कई बार हमें पूछा जाएगा कई डिफरेंट एग्जाम्स में, जेई में भी पूछा जाएगा, लेकिन जेई से जो डिफरेंट एग्जाम्स होंगे जैसे KBPY, BITSET और VI EEE, VIT, अगर जो जितने बहुत सारे पेपर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम जेई भी, उस सब में पूछा जाता है. ऑलराइट, हाँ एडवांस में भी पूछा जाता है, एडवांस में तुम जब एडवांस का सेशन होगा तो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे पूछा जाता है. उसमें तो कुछ भी चीज डायरेक्ट पूछते नहीं है, है ना, कोई भी डायरेक्ट चीजें पूछते नहीं है, वो घुमा के पूछेंगे, पर पूछेंगे जरूर. हाँ रिलेशंस, ओके आगे बढ़े हम लोग. नहीं नहीं, ए डैश का काम नहीं है इसमें पार्थ, ए डैश का काम नहीं है इसमें, ठीक है, तो ए डैश में तो मैं क्लास में बताऊंगा, रुको, वो तुम जो बोल रहे हो थोड़ा सा उसमें कुछ करेक्शन है, ठीक है, तो वो अभी नेक्स्ट वीक से, तो ऐसे भी क्लास मेरे ख्याल से नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक चालू हो जाएगा. फिर इसमें ए रिलेटेड टू बी लिखा हुआ है, अगर ए रिलेटेड टू बी, तो इसमें दिया हुआ है कि कंडीशन दिया हुआ है ए शुड बी ग्रेटर देन बी, तो इसका आउटपुट क्या क्या हो जाएगा, रिलेशन ए शुड बी ग्रेटर देन बी, मतलब ए जो ए एलिमेंट है, मतलब ए के जो एलिमेंट्स है वो ग्रेटर देन बी के एलिमेंट्स होने चाहिए, तो वन से बड़ा तो कुछ नहीं होगा, तो वन वन से बड़ा कुछ नहीं होगा, थ्री का लिखना चालू करते, 3, 2, ठीक है, 3 बड़ा है 2 से, ठीक है, और 3 का कुछ नहीं लिख सकते, 5 का लिखता हूं, 5, 2, 5, 4 और 7 का, 7, 2, 7, 4 और 7, 6, ये तुम्हारा आउटपुट हो जाएगा, राइट. ये समझ आ रहा है, हमें फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट लिखना है, और फर्स्ट एलिमेंट तुम इसी से चूज कर सकते हो और सेकंड एलिमेंट तुम इसी से चूज कर सकते हो. ऑलराइट, इज दिस क्लियर? लिख लिया ये, पहले ए एलिमेंट चूज करना पड़ेगा, ए का एलिमेंट इसमें लिखा था ना, ए रिलेटेड टू बी सच दैट ए शुड बी ग्रेटर देन बी, तो पहले ए के एलिमेंट चूज करना है, फिर बी के एलिमेंट चूज करना है, ऐसे करना है कि ए हमेशा ग्रेटर देन बी. ऑलराइट, डन, आगे बढ़े.
फाइव कॉमा थ्री क्यों नहीं, फाइव है कहाँ यहाँ, फाइव थ्री कहाँ है, थ्री कहाँ है, फाइव तो है इसमें ठीक है, थ्री कहाँ है बी में बताओ मेरे को, है ना, नहीं है ना थ्री बी में, ठीक। जैसे ये हाँ, अगर बी रिलेटेड टू ए होता, बी रिलेटेड टू ए होता तो ओल्ड मतलब बी के एलिमेंट पहले लिखते, ए के एलिमेंट बाद में लिखते, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग, ये सब देखेंगे अभी। अभी तुम लोग ये देखो, पहले तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ए बी है, रिलेशन डिफाइंड ए रिलेटेड टू बी, ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके एच सी एफ वन होता है, एच सी एफ मतलब कॉमन फैक्टर वन है, कॉमन फैक्टर वन है, ठीक है। ये सब को प्राइम वगैरह तुम लोगों ने प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे, ठीक है, याद नहीं होगा तो बात अलग है, खैर, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर जिसका एच सी एफ वन होता है, ऐसे दो नंबर जिसका एच सी एफ वन होता है। एच सी एफ मतलब पता है ना सबको, एच सी एफ मतलब जो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका कॉमन फैक्टर वन हो, सिर्फ वन, ओके। जैसे कि इसका आउटपुट कैसा होगा, वन के साथ तो मैं किसी का भी लिखूंगा तो वो हमेशा फैक्टर वन ही होगा, कॉमन फैक्टर, वन कॉमा टू, वन कॉमा फोर, वन कॉमा फाइव, राइट। टू के साथ लिखूंगा अगर, तो टू कॉमा टू लिख दूं अगर, टू कॉमा टू, तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, है ना, टू कॉमा टू के दो फैक्टर हो जाएंगे, वन और वन और टू, तो ये आउटपुट नहीं होगा। तो टू और टू का तुम फोर के साथ भी नहीं लिख सकते, तो खाली टू का तुम फाइव के साथ लिख सकते हो, वैसे ही थ्री का टू के साथ, थ्री का फोर के साथ, और थ्री का फाइव के साथ, और फोर का टू के साथ नहीं लिख सकते, फोर का फोर के साथ नहीं लिख सकते, फोर का तुम फाइव के साथ लिख सकते हो खाली, फिर फाइव का टू के साथ लिख सकते हो, और मैं क्या देख रहा हूं, पहले ये देख रहा हूं उसके बाद ये देख रहा हूं, ठीक है, कहीं भी मत देखना, पहला एलिमेंट लिख रहा हूं तो मैं यहां देख रहा हूं, दूसरा एलिमेंट लिख रहा हूं तो मैं यहां देख रहा हूं, ऑल राइट। फाइव कॉमा टू, फाइव कॉमा फोर, ये तुम्हारा आउटपुट हो गया। टू का टू कॉमा टू इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इन दोनों का फैक्टर्स कौन से होंगे, एक तो वन है इसका फैक्टर, एक टू है इसका फैक्टर, है ना, वन और टू दोनों है ना इसका, इसका एचसीएफ क्या होगा, अच्छा ये बता दो या तो, इसका एचसीएफ क्या होगा ये बता दो ना, इसका एचसीएफ टू होगा ना, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम एक ही होता है, रिलेटिवली प्राइम को प्राइम वो होते हैं जिस, ऐसे दो नंबर जिसके एचसीएफ वन है, ऐसे दो नंबर जिसके एचसीएफ वन है, ओके, नहीं नहीं जेई में अगर क्वेश्चन आएगा तो उनको वो एक्सपेक्ट करेंगे तो मैं पता हो कि प्राइम नंबर को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर क्या, क्योंकि ये सब तुमने मिडिल स्कूल में पढ़ा है, हाँ। डोमेन, डोमेन क्या होगा, इसके पहले एलिमेंट्स, इसके पहले एलिमेंट्स, ठीक है, इसके पहले एलिमेंट्स, तो डोमेन जो है, डोमेन अगर मैं लिखूं तो डोमेन हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव, पहले एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, और तुम्हारा रेंज हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट्स, सेकेंड एलिमेंट्स तुम्हारे रेंज है, तो बी देख लो, बी बी तुम्हारे रेंज है क्योंकि इसमें टू भी आ रहा है, फोर भी आ रहा है, फाइव भी आ रहा है, टू फोर और फाइव, ये तुम्हारा रेंज है, ऑलराइट। ऐसे नहीं लिख सकते तुम इसको, वन कॉमा फाइव रियल नंबर्स नहीं है, रियल नंबर में तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हें सिर्फ नाच इंटीजर वैल्यू लिखने रहते तो इसके इस फॉर्म में लिखते हो, ब्रेसेस के फॉर्म में, ऑल इन मिडिल स्कूल माई स्कूल फोकस वॉज ऑन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर टू ए रूट ओवर डी बाई टू ए, ओके, एंड आई थिंक दैट टू यू डोंट नो हाउ टू प्रूव इन मिडिल स्कूल, राइट।
अभी आता है, राइट, अभी तो आना ही चाहिए, मतलब डन, आगे बढ़े। ओके टाइप्स ऑफ रिलेशन, यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तीन जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस आएंगे उसके बारे में समझना। पहले दो तो बहुत सिंपल है, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। नाम से ही समझ आ रहा है, एम्प्टी रिलेशन मतलब नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। और ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, Each elements of A is related to every element of A, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग एक example लेते हैं, जैसे मान लो कि मैं A लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4 और मैं relation 1 लिखता हूँ A comma B such that A plus B is greater than 10, right? Greater than 10, और ए और बी जो है दोनों बिलोंग्स टू ए है, मतलब इसमें ए और बी दोनों तुम्हें ए से ही लेने, इससे ही लेने, ए और बी यही है सेम, ठीक है। और आर टू लिखता हूं मैं ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज लेस देन 10 और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसमें मेरे को बता सकते हैं कि पहला वाला कौन सा है, दूसरा वाला कौन सा है? राइट, देख के समझ आ रहा है। पहले वाले में तो तुम अगर इसमें से लोगे, कोई भी दो को ऐड करोगे वो कभी भी ग्रेटर देन 10 नहीं होगा, राइट राइट। तो इस रिलेशन का आउटपुट ही 5 है, इसका आउटपुट ही नल सेट है। तो नल सेट ही मतलब एम्प्टी रिलेशन है ना, नल सेट का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, सेट ऑफ नल सेट का मतलब एक एलिमेंट, पर नल सेट का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, तो वो एम्प्टी रिलेशन हो गया। और इसमें सारे आ जाएंगे, मतलब तुम कोई भी दो पैर लोगे इसके, टोटल कितने आउटपुट होंगे बता सकते हो मेरे को? इसके कितने आउटपुट होंगे टोटल? 62 कैसे हो गए यार, 16 ना, मैक्सिमम 4 × 4 16 आउटपुट बोल रहा हूँ, सबसेट नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा होगा ना 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 फिर 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4 फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4 राइट, सबसेट्स नहीं पूछ रहा हूँ। ओके, तो ये आ जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। ये समझ आ रहा है क्लियरली? ये बिल्कुल इजी है। टू टू द पावर 4 कैसे लिख रहे हो तुम लोग यार? ये अगर यूनिवर्सल रिलेशन है, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब आर और जितने भी, जैसे आर टू इस केस में और ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स बराबर होंगे, तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स कैसे निकालते हो? एम इन टू एन करके निकालते हो तुम, राइट? 16 ओके वन सेकेंड,
सॉरी वो लिखा हुआ चले गया ना, एक मिनट, मतलब मैंने ये लिखा था, ए जो था 1, 2, 3, 4 था और रिलेशन 1 था, ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 10, ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, और आर टू जो था ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज लेस देन 10, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए. ठीक है, ये हमारा एम्प्टी से एम्प्टी आ रहा था, एम्प्टी रिलेशन, और ये आ रहा था यूनिवर्सल रिलेशन. ठीक है, ऑलराइट. वेयर इज बी, बी वेयर इज बी मतलब अगर तुम ये बी पूछ रहे हो तो बी जो बी के एलिमेंट्स तुम्हें ए से ही लेने हैं, सेट ए से लेने हैं. बी का मतलब ये नहीं होता कि बी लिखा रहे. ठीक है, मतलब ये डिफरेंट ए है, ये डिफरेंट ए और बी है, अगर तुम ये पूछ रही हो तो. ठीक है, दोनों डिफरेंट है तो इसमें ये मेंशन हो रहा है कि ए और बी का एलिमेंट है वो ए से ही तुम्हें लेने, बिलोंग्स टू ए है. ऑलराइट, आगे बढ़े. ठीक है, आगे अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है. सबसे पहले है आइडेंटिटी रिलेशन. ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन. अब इसमें ये पढ़ना देखना, अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ If each and every element of A is related to itself and only to itself, only to itself, only to itself. If each and every element of A is related to itself and only to itself, मतलब अभी हम लोग ने लिया था ना, जैसे मान लो सेट A दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, तो इसका आउटपुट ऐसा आना चाहिए कि वो खुद से रिलेटेड हो. बस मतलब सिर्फ 1, 2, 3, 4, 4 ऐसा ही आउटपुट आना चाहिए, इसके अलावा और कोई आउटपुट नहीं आ सकता. अगर ऐसा आउटपुट आ रहा है इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा. ऑलराइट, ये समझ आ रहा है? जैसे और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो हम लोग एग्जांपल लेते हैं आर ए कॉमा बी सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 1. ठीक है, और ए और बी, ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, ऐसा लिख देते. ठीक है, ये तुम्हें समझ आ रहा है कि इसमें सिर्फ आउटपुट ऐसे ही आने वाला है 1, 2, 3, 4. ठीक है, जैसे मान लो कि इसमें एक सेट ए लिखा हुआ है जिस जो ए कॉमा 1, 2, 3, मतलब ये तो खैर ऐसे भी लिखा, खाली ऐसा भी लिखा है तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा. ऑलराइट, हाँ दिस इज इनफाइनाइट सेट बट यू कैन अंडरस्टैंड ना कि इसका आउटपुट यही होने वाला है 1, 2, 3, 4. और कुछ नहीं हो सकता, मतलब इनफाइनाइट और फाइनाइट से कोई इसमें लेना देना नहीं है. ऑलराइट, इज दिस क्लियर? इसको लिख लो.
आगे बढ़े। नेक्स्ट है, नेक्स्ट तीन रिलेशन है, मैं तुम्हें बता देता हूं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिट, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिट। अब क्वेश्चन इसी में से आता है, ठीक है, इसी में से आता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिट। हाँ, और फिर खत्म, बस ये लास्ट है। तो तुम लोग कितने ज्यादा इंपेशेंट हो, तुम लोग बस यही देखते रहते हो कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। सही बात नहीं है सब, तुम लोग ने ऑनलाइन है, तुम लोगों को इतना इम्पेशेंट, जेई नीट इम्पेशेंट के लिए नहीं है, इम्पेशेंस मतलब पेशेंस बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। हम लोग क्लास चालू होते साथ सिर्फ यही पूछ रहे थे कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। तो अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज, यहाँ पे ये गलत लिखा है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है ना, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, कहाँ देखा ये, पिछले वाले साइड पर। क्या ये गलती से लिख दिया कि मतलब कुछ तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है उसमें और इसमें? हाँ, इसमें आगे का नहीं लिखा है, बट ओनली टू इटसेल्फ ये नहीं लिखा, ठीक है, ओनली टू इटसेल्फ नहीं लिखा है। ओनली टू इटसेल्फ नहीं लिखने का मतलब क्या है कि इसमें जो आउटपुट है 1,1, 2,2, 3,3, अगर ये आउटपुट हुआ, ठीक है, मान लो कि मेरे पास ए दिया हुआ है 1,2,3, ठीक है, अब मैं तीन रिलेशन लिखता हूं, आर वन, आर टू लिखता हूं मैं 1,1, 2,2, 3,3, 1,2 और 2,1, और आर थ्री लिखता हूं मैं 1,1 और 2,2 खाली, ठीक है। अब इसमें देखना कि हाँ, यहाँ पे क्या है, ओनली नहीं है लास्ट वाले से, ठीक है, लास्ट वाले से ओनली, लास्ट वाले डेफिनेशन में इसके आगे ओनली था। अभी तो मैं एक चीज यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि ये जो फर्स्ट वाला केस है इसमें ये दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर तीन एलिमेंट्स है, तीनों खुद से रिलेटेड होने चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी होंगे और तभी वो रिफ्लेक्सिव होंगे, ठीक है। तो ये जो है वो आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी, दोनों है, ठीक है। लेकिन सेकेंड वाला जो है ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ, ठीक है, ओनली टू इटसेल्फ, तो आइडेंटिटी में वो मेक श्योर करना पड़ेगा कि तुम्हें सिर्फ यही हो, पर रिफ्लेक्सिव में ये मेक श्योर करना है कि ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं, इसके अलावा और कुछ भी एलिमेंट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर ये स्पॉट कर लिया तुमने तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, पर आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि ये एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, तो ये खाली रिफ्लेक्सिव है, ऑलराइट। और थर्ड वाला एलिमेंट में सारे एलिमेंट के इटसेल्फ रिलेशन नहीं है, मतलब 3 और 3 नहीं है, इसके कारण ये ना आइडेंटिटी भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आइडेंटिटी तो हो गई नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, इज दिस क्लियर? यस धनंजय, या यू आर राइट। तो एक चीज बताओ, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव के लिए एक कोई बहुत अच्छा स्टेटमेंट तुम्हारे मन में आ रहा होगा, है ना, बता दो, इससे तुम्हें समझ आ रहा होगा, सबसेट, तुम सबसेट भी कह सकते हो, आइडेंटिटी इज अ सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव, या ऑल आइडेंटिटी रिलेशन इज अ
या फिर मैं लिख सकता हूँ ऑल आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट नॉट वाइज वर्सा. ठीक, उल्टा पॉसिबल नहीं है. ऑल राइट, लास्ट लाइन, आइडेंटिटी इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव. पावर सेट नहीं, पावर सेट कहां से आ गया? रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ सुपर सेट. पावर सेट नहीं, सुपर सेट बोलो, सुपर सेट. आर टू में अगर 3-3 हटा के 3-1-1-3 लिख दिया, हाँ तो नहीं होगा. अगर यहां पे तीन एलिमेंट है, उस तीनों के तुम्हें ए कॉमा ए होने चाहिए. ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स है उसके सारे के तुम्हारे ऐसे ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए. ऑलराइट भावेश रूप, एक मिनट दिखा रहा हूं. लास्ट स्लाइड ऐसे भी चले गया है, मतलब वो डिलीट हो गया. इज दिस क्लियर? आगे बढ़े. भावेश, लास्ट में दिखा दूंगा मैं, ठीक है, लास्ट में मैं दिखा दूंगा उसका. मैंने स्क्रीनशॉट खींच के रखा है, वो मैं दिखा दूंगा तुम्हें. ठीक है, ऑल राइट भावेश. हाँ, उतना जगह छोड़ दो. कितनी जगह? ए कितनी जगह छोड़ दो? 4-5 लाइन. कितना, कितनी जगह में लिखा था तुम लोगों ने? कोई बताओ. लास्ट स्लाइड. कुछ लोग पेजेस लिखने लगे. रहन दो, अपने हिसाब से तुम 8-10 पेज, 8-10 लाइन छोड़ दो. हाफ पेज छोड़ दो ना. और ये लिख लिया क्या सबने? श्रेय जल्दी लिखो. इतना टाइम मत लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो उसको. अगर तुम्हें इतना टाइम लग रहा है लोगों, स्क्रीनशॉट ले लो उसका. ओके अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ये वही लिखा है. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है वही लिखा है कि if a comma b then a comma a belongs to real number, however if there is a single ordered a comma b r such that a comma a not belongs to r. इसका मतलब देखो, इसमें इतना समझने की जरूरत नहीं. इसका मतलब ही ये है कि अगर सिर्फ तुम मिस आउट कर रहे हो, जैसे तीन एलिमेंट से अगर एक आध एलिमेंट तुमने मिस आउट कर दिया तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता. जो थर्ड केस बताया था वो उसी का स्टेटमेंट है. ठीक है, ऑलराइट, जो थर्ड एग्जांपल बताया था उसी का स्टेटमेंट है. सिमेट्रिक, नाम से ही समझ आ रहा है. सिमेट्रिक का मतलब इफ, ये ध्यान से देखना. ठीक है, इफ, इफ बहुत इंपॉर्टेंट. इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए, मतलब इफ ऐसे ए कॉमा बी होगा तो बी कॉमा ए मस्ट नेसेसरली देयर इन द सेम रिलेशन. इफ है, इफ अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, तो भी सिमेट्रिक ही होता है, अपने आप में सिमेट्रिक हो जाएगा. जैसे फॉर इंस्टेंस, सबसे इसका मैं फिर से लिखता हूं. जैसे कि मान लो 1,2, अगर ये 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए. अगर 1,3 है
तो 2,3 होना, सॉरी 3,1 होना चाहिए आउटपुट में, ठीक है। मैं आर टू लिखता हूं 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,1, आर थ्री लिखता हूं 1,1, 2,2, 3,3, और आर फोर लिखता हूं मैं 1,2, 2,3 और 2,1, ठीक है। अभी देखो मेरे को बता सकते हैं कि कौन सा सिमेट्रिक होगा इसमें से? एक्सेप्ट फोर ऑल, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो इसमें क्या है, ये चीज समझ में आना चाहिए कि पहला वाला तो देखो ये तो मैं चेक करना है, अगर ये है तो इसका इसके इंटरचेंज वाले है कि नहीं, इंटरचेंज वाले है, ये है तो उसका इंटरचेंज वाला है कि नहीं, ये है, चलो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारा ये हो गया सिमेट्रिक हो गया। लेकिन ये चीज ना आइडेंटिटी है ना रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ये आइडेंटिटी भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए ये होना चाहिए, ये तब मतलब अगर ये सेट ये गिवन है 1,2,3 तो ये होना चाहिए। अगर नहीं भी गिवन है, नहीं गिवन है तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है कि ये अगर गिवन है तो ये तुम बोल सकते हो कि ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो है, आइडेंटिटी नहीं है। क्यों आइडेंटिटी नहीं है? क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ रहा है। दूसरी बात, ये गिवन है तो इसका इंटरचेंज वाली चीजें गिवन है, ठीक है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है, ठीक है, ये अपने आप में सिमेट्रिक है, ठीक है, ये अपने आप में सिमेट्रिक है, तो अगर खाली ये भी हुआ तो भी हमें इसको सिमेट्रिक के कैटेगरी में डालना पड़ेगा, ये चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। कई लोग, बहुत सारे लोग जो होंगे इसमें ही गलत करेंगे, ठीक है, ये आइडेंटिटी भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा, राइट, ओके। और जो लास्ट वाला है उसमें इसका इंटरचेंज वाला प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इसका इंटरचेंज वाला प्रेजेंट है नहीं, इसलिए ये तो कुछ भी नहीं होगा, ओके। एक अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है, इसका प्रेजेंट होने के बावजूद ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट है जिसका इंटरचेंज वाला एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ओके। हाउ आर थ्री सिमेट्रिक, मैं वही बोला ना तुम्हें कि इसमें लिखा हुआ इफ ए कॉमा बी अगर प्रेजेंट है, मतलब ये दोनों अगर अलग अलग वाले प्रेजेंट है तब ये प्रेजेंट होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो सिमेट्रिक है ये, आप अपने आप में भी सिमेट्रिक है ना, 1,1 तो अपने आप में भी सिमेट्रिक है, 1,1 का बताओ सिमेट्रिक क्या होगा, 1,1 ना, वो अपने आप में भी सिमेट्रिक है, ऑलराइट। मतलब और अगर तुम्हें और समझना है तो बी के जगह ये बी की जगह ए पुट कर दो, बी की जगह ए पुट कर दो, राइट, ओके। आर थ्री रिफ्लेक्सिव कैसे है, और क्या होता है रिफ्लेक्सिव फिर, मतलब सिमेट्रिक पूछो तो मतलब समझ भी आता है रिफ्लेक्सिव पूछ रहे हो और कैसे रिफ्लेक्सिव होता है, यश रिफ्लेक्सिव क्या होता क्या है, हाँ ओके, हाँ ऐसा भी बोल सकते हो कि 1,1, ठीक है वैष्णव, यू आर राइट अकॉर्डिंग टू यू, Every identity is symmetric, right? Right.
ओके लिख लो, जल्दी लिख लो उसको। जिसने नहीं लिखा वो स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है? इससे ज्यादा टाइम हम लोग नहीं कर सकते। आर फोर में 3.2 होता तो वो सिमेट्रिक होता, हाँ बराबर। अगर यहाँ पे 3.2 हो जाता तो वो सिमेट्रिक हो जाता, राइट? सही बोल रहे थे। ओके इसका, अच्छा इसके और एग्जांपल देखते हैं। अच्छे कोई थोड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसके, जैसे मान लो ए कॉमा बी सच दैट ए इज परपेंडिकुलर या पैरेलल, ए इज पैरेलल टू बी, ठीक है? ए इज पैरेलल टू बी। और दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, ए कॉमा बी ए इज अ कजिन ऑफ बी। और तीसरा एग्जांपल, ए कॉमा बी ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। अब इसमें बताओ इन तीनों में कौन सा सिमेट्रिक होगा, कौन सा नहीं होगा? नहीं नहीं भावेश, नॉट एवरी रिफ्लेक्सिव इज सिमेट्रिक, नॉट एवरी रिफ्लेक्सिव इज सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल 1.1, 2.2, 3.3, और अगर इसके साथ 1.2 बस है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है? ऑल राइट भावेश, इज दिस क्लियर? अभी ये वाले केसेस देखो, पहला वाला मतलब जब भी तुम्हें ऐसे स्टेटमेंट चेक करना है ना, ए और बी को इंटरचेंज करके देखो क्या होता है, सेटिस्फाई होता है कि नहीं। हमेशा हर केस में सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसा नहीं एक दो केस में सेटिस्फाई हो रहा है, हर केस में सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है? जैसे ए इज पैरेलल टू बी, तो ऑब्वियसली बी विल बी पैरेलल टू ए, तो ये तो है सिमेट्रिक, राइट? सेकेंड वाला, ए इज अ कजिन ऑफ बी, तो बी भी तो कजिन होगा ए का, राइट? बी तो कजिन, ऑब्वियसली बी कजिन होगा ए का, राइट? ये सही है। थर्ड, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि बी विल बी अ ब्रदर ऑफ ए, सिस्टर भी हो सकती है, राइट? इसमें तुम्हारी श्योरिटी नहीं है, इस केस में तुम्हारी श्योरिटी नहीं है, ऑलराइट? तो ये नहीं है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। इज दिस क्लियर? आर टू कैसे? अरे कजिन, मेरी कजिन, कजिन को तो तुम मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है ना। अगर ए कजिन है बी का, बी भी कजिन होगा ए का, कैसे और क्या होगा, राइट? टीचर टीचर, ठीक है, ए इज अ टीचर ऑफ बी तो नहीं होगा ना। लिटरेचर कहाँ चेक हो रही है, बेसिक नॉलेज चेक हो रही है, तो मैं लिटरेचर इसमें क्या चेक हो रहा है? तुम्हें कजिन का मतलब नहीं मालूम क्या, कि ब्रदर का मतलब नहीं मालूम? हाँ अगर नहीं मालूम है तो फिर हाँ चेक हो रही है, फिर वोकैबुलरी चेक हो रही है मेरे ख्याल से, तो पता ही होगा। राइट आगे बढ़े। कजिन मतलब जो रियल ब्रदर है उसको छोड़ के जो भी भाई होगा, अंकल का भाई, आंटी का भाई, चाचा मामा, जिसका भी, सबका जो भी कजिन, वो कजिन होते हैं। ओके ऑल राइट, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। लिख लिया, ये लिख लिया है ना तुम लोग ने? ओके
ओके ऑलरेडी ट्रांजिटिव। अभी ट्रांजिटिव में भी कहानी वही है इफ वाली, ठीक है। इफ इफ अब तुमने समझ गया ना इफ का मतलब, इफ का मतलब अगर ए कॉमा बी हुआ, अब इसमें समझना ए रिलेटेड टू बी हुआ और बी रिलेटेड टू सी हुआ, तो ये कंपलसरी है कि ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, ठीक है। ए रिलेटेड टू, अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए ये, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, ये दोनों तुम्हें प्रूफ करना है और ये अपने आप होना चाहिए। जैसे फॉर आउटपुट इसका कैसे होता है, जैसे मैं फिर से लिखता हूं उसको, वन कॉमा टू, टू कॉमा थ्री, अगर ये है तो ये दोनों होने चाहिए, मतलब वन कॉमा थ्री होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये आर वन हो गया, आर टू में लिखता हूं वन कॉमा वन, टू कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री, आर थ्री लिखता हूं मैं वन कॉमा वन, टू कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री, वन कॉमा टू, टू कॉमा वन, आर फोर लिखता हूं मैं वन कॉमा वन, वन कॉमा टू, सॉरी वन कॉमा टू कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री, फिर वन कॉमा टू, टू कॉमा वन, टू कॉमा थ्री, थ्री कॉमा टू, और वन कॉमा थ्री और थ्री कॉमा वन। मुझे ये बताओ अभी तक जितने भी रिलेशन पढ़े उसमें से ये कौन से हो, ये चारों, पहला वाला बताओ। पहला तो ट्रांजिटिव है, खाली ट्रांजिटिव, ओके, खाली ट्रांजिटिव, ठीक है। ये तो तुम्हें दिख ही रहा है रिफ्लेक्सिव है नहीं, रिफ्लेक्सिव में ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट, रिफ्लेक्सिव में ऐसा कुछ होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव है नहीं, सिमेट्रिक है नहीं, सिमेट्रिक में वन कॉमा टू है तो टू कॉमा वन होना चाहिए, तो ये तो खाली ट्रांजिटिव है, राइट। आर टू, आर टू बताओ। हाँ ये सब है, ये सब है, इसमें फिर से इफ एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर ए कॉमा बी, बी कॉमा सी है, या तो तुम इसको सबको रिप्लेस कर दो ए से, इसको सबको ए से रिप्लेस कर दो, ए रिलेटेड टू ए, ए रिलेटेड टू ए, दैट इंप्लाइज ए रिलेटेड टू ए, ये होता है ना, राइट। तो इसमें भी इफ एप्लीकेबल है, तुम्हें जैसा समझना समझो, कि ए बी सी में सबको ए पुट कर दो तो देखो ये पॉसिबल है कि नहीं, या फिर तुम ऐसा समझो कि अगर ऐसा कोई एलिमेंट है, क्योंकि अगर सेम एलिमेंट है तब तो तुम्हें कुछ कर ही नहीं पाओगे ना इसका, तो तुम इसका सिमेट्रिक फंक्शन भी वही होगा, ट्रांजिटिव फंक्शन भी वही होगा, राइट। तो जब दो एलिमेंट्स अलग अलग है तब तुम्हें चेक करना पड़ेगा, सेम एलिमेंट तो सब होंगे, ये आइडेंटिटी भी होगा, आइडेंटिटी भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। और अभी ये बता रहा हूं मैं, ये दोनों तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, शायद एडवांस में पूछा जा चुका है, ये सेम सेम एग्जांपल, सेम एग्जांपल, ठीक है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, चारों है ये, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन अगेन भाई, ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव में तुम्हारे, तुम्हें बस ये चेक करना है कि अगर कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स है तो वन कॉमा टू, टू कॉमा थ्री, तब वन कॉमा थ्री है कि नहीं, ये बस चेक करना है, ठीक है। नहीं तो, नहीं तो तुम्हें, अगर ऐसा नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है, जैसे इस केस में वन कॉमा वन, वन कॉमा वन, जैसा भी करो वो ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ओके। अगर सेम एलिमेंट्स है तो वो सब होते हैं,
ऑल राइट, क्योंकि वो सब जगह ये सारे केस वैलिड होते हैं उसमें। इतना इजी क्वेश्चन फिर भी लोगों को नहीं बनता ना, बहुत कम लोगों कम लोगों को ये मार्क्स आए होंगे इसमें, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें बताओ थर्ड वाले में, आइडेंटिटी को छोड़ के सब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है क्योंकि ये और ये अवेलेबल है, और ट्रांजिटिव भी है। क्यों ट्रांजिटिव है? क्योंकि अगर तुम इसको चेक करोगे तो इसमें तुम्हें ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हें नहीं है, इसमें तुम्हें नहीं है, ये है तो इसका ये है, मतलब 1.2 है, 2.1 है, तो 1.1 रिलेटेड है, इसमें रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है, और 2.2 भी रिलेटेड है, ये रिलेटेड है, तो ये सिमेट्रिक है, सॉरी सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। जो मेन चीज तुम्हें चेक करना है ट्रांजिटिव में, यहां तुम्हें ये वाला केस चेक करना है, जैसे 1.1, 2.2, 3.3 तो गिवेन है, 1.2 गिवेन है और 2.3 गिवेन है, तो इसमें कंपलसरी है कि 1.3 होना चाहिए, तो 1.3 है, ठीक है, इसमें भी 2.1 है, 3.2 है, तो इसमें तुम्हें ये कंपलसरी है कि 3.1 होना चाहिए, तो ये भी है 3.1 इसमें, ठीक है, और ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है, सबके रेसिप्रोकल वाले स्विच्ड वाले अवेलेबल है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे, रिफ्लेक्सिव भी है ये, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इज दिस क्लियर? ओके, एक बार मेरे को कंफर्मेशन देना कि सबको समझ आ गया ये। R2 में डाउट है, क्या डाउट है? कि वो ट्रांजिटिव कैसा है? ओके डन, लिख लिया ये। और एग्जांपल देखेंगे ना हम लोग, आगे वही आएगा, आगे तो क्वेश्चन ही है ना इसके, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ नहीं होता, जब ये तीनों होते हैं उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो उसको जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है तब उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ऑलराइट, इज दिस क्लियर? अभी हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे ये, ठीक है। इस ये मत देखना, ये जो है ये मिसप्रिंट भी हो सकता है, इस ये पहले से प्रिंटेड है इसमें, क्योंकि मैंने कहीं से स्नैप लिया। तो मेरे को ये बताओ कि पहला वाला सिमेट्रिक है कि नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, कैसे चेक करोगे? देखो जब भी तुम्हें रिफ्लेक्सिव चेक करना है, ठीक है, जब भी तुम्हें रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो ए और बी में सेम चीज पुट कर दो, सेम चीज मतलब दोनों में ए पुट करके देखो कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑलराइट, मुझे बताएगा कोई कि फर्स्ट वाला क्या है?
प्रीवियस लेड, देख लो प्रीवियस लेड, ओके ठीक है। पहला पहला वाला देखो, अगर तुम ए और बी, ए और बी दोनों में ए पुट कर दो, तो ए माइनस ए, तुम्हें अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो रिफ्लेक्सिव चेक करते टाइम क्या करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव अगर तुम्हें चेक करना है तो क्या करना पड़ता है, ए और तुम बी के जगह भी, बी के जगह ए पुट कर दो, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा ए माइनस ए, ए माइनस ए जीरो आ गया, राइट, ए माइनस ए अगर जीरो आ गया तो वो इंटीजर होता है, तो तुम्हारा ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए कैसे चेक करोगे, ए और बी को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, ए और बी इंटरचेंज कर दो। अगर ए और बी इंटरचेंज कर दिया तो अगर ए माइनस बी इंटीजर है तो बी माइनस ए भी इंटीजर होगा, ये बात समझ आ रही है, और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए तुम एग्जांपल ले लो, ठीक है, एग्जांपल ले लो, जैसे तुम, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तीन चीजें लेनी है और उसमें तुम्हें ये प्रूफ करना है कि a माइनस बी इंटीजर होना चाहिए, ये तुम्हें खुद मेक श्योर करना है कि a माइनस बी हो और b माइनस सी भी इंटीजर हो, तुम्हें ये मेक श्योर करना है, ठीक है, और फिर तुम्हें ये चेक करना है कि a माइनस सी इंटीजर है कि नहीं, ये दोनों तुम्हें खुद मेक श्योर करना है, ऑलराइट, ये दोनों तुम्हें खुद मेक श्योर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने a ले लिया 4, यहाँ पे ये ले लिया 6 और ये ले लिया 8, तो 4 माइनस 6 जो है माइनस 2 आएगा, b माइनस 2, 6 माइनस 8 भी माइनस 2, ये भी इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर है और 4 माइनस 8 हो गया माइनस 4, राइट, तो तीनों इंटीजर हो गए, तीनों इंटीजर है तो मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। इज दिस क्लियर? सेकेंड वाला बताओ मेरे को, सेकेंड वाला कि देखो इसमें तो लिखा ही है, सेकेंड जो सेकेंड वाला है, a और b नेचुरल नंबर है, a प्लस बी इज इवन। अभी तुम्हें इसमें खुद समझ आ जाना चाहिए कि अगर b के जगह में a पुट करूं तो a प्लस a जो हो गया 2a हो गया, राइट, तो 2a तो इवन ही होगा, है ना, 2a इवन होगा तो वो रिफ्लेक्सिव है। अगर a प्लस बी इवन है तो b प्लस a तो सेम ही नंबर होगा ना, तो वो सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अभी ये मेरे को बताओ कि अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है तो मुझे एक एग्जांपल बता दो, ऐसा ऐसा कोई भी एग्जांपल बता दो कि जिसमें ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, या तो अगर तुम एग्जांपल नहीं बता पा रहे तो वो ट्रांजिटिव होगा फिर, ऑलराइट, पहले दो केस तुम्हें सेटिस्फाई करना है ना खुद से। अगर तुम ए को टू ले लो, बी को थ्री ले लो, तो ए प्लस बी थोड़ी ना इवन नंबर आ रहा है ना श्रेयस, राइट, ओके तो अगर तुम इसका देखते हो, अगर तुम इसमें देखते हो कि जैसे ए को कोई नंबर लो, बी को कोई नंबर लो, सी को कोई नंबर लो, ठीक है,
तो ए प्लस बी तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा इवन हो, बी प्लस सी तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा इवन हो, और ए प्लस सी तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि अगर या इवन होगा कि नहीं। तो देखो अगर तुम यहाँ पे कोई ए को कोई इवन नंबर लेते हो, मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2, तो बी को भी मुझे कोई इवन नंबर ही लेना पड़ेगा, तभी ए प्लस बी 6 आएगा, इवन नंबर आएगा, और यहाँ पे भी मुझे कोई इवन नंबर ही लेना पड़ेगा तभी ये दोनों मिलके इवन नंबर आएगा, राइट। तो ए प्लस सी भी इवन ही होगा, इस केस में 10 आ रहा है। अगर तुम कोई ऑड नंबर लेते हो, अगर तुम कोई ऑड नंबर लेते हो, जैसे मैं 3 लिया, तो अगर मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूं तो मुझे यहाँ पे मेक श्योर करना पड़ेगा कि कोई मैं ऑड नंबर लू, तभी तो 3 + 5 तो मैं इवन नंबर देगा, राइट। और यहाँ पे अगर ऑड नंबर है तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे भी मैं ऑड नंबर लू, तभी 5 + 7 मुझे इवन नंबर देगा, क्योंकि ये दोनों तो मैं खुद सेटिस्फाई करवानी, ऑलराइट। फिर तो मैं चेक करना है कि ये चीज सही हो रही है कि नहीं। तो अभी ऑड प्लस ऑड तो फिर भी ये सही हो गया, तो ट्रांजिटिव तो ये है, ठीक है। ऐसा कोई भी केस नहीं आएगा, ऐसा कोई भी केस नहीं आएगा कि जिसमें ये ट्रांजिटिव को वायलेट करे। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, सी 0 नहीं ले सकते हो, तो नेचुरल नंबर है, ओके। थर्ड केस, ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी मतलब मुझे थर्ड का बताओ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अभी मुझे इसमें इसमें देखो कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन, तो एक्चुअली उसमें हमें बाय डिफॉल्ट ये मानना पड़ेगा, मतलब ऐसे तो क्वेश्चन कंप्लीट दिया जाएगा तुम्हें, उसका टेंशन मत लो, लेकिन इस केस में हम ये मानेंगे कि ए डिवाइड्स बी इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ए डिवाइड बाय बी होगा तो नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये ए बाय बी, अगर ए ए कॉमा ए ए बाय ए ले लिया तो 1 आ गया, तो ये तो सिमेट्रिक है क्योंकि 1 हमेशा नेचुरल नंबर होता है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के केस में जैसे मान लो कि तुम ए की वैल्यू 2 ले लेते हो, बी की वैल्यू 1 ले लेते हो, तो 2 / 1 तो नेचुरल नंबर है, पर 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, इसलिए सिमेट्रिक वायलेट कर रहा है। ये समझ आ रहा है? और ट्रांजिटिव के लिए अगेन 3 तो मैं ऐसे एग्जांपल लेने के पड़ेंगे कि पहले 2 सेटिस्फाई हो, मतलब अगर मैं इधर 8 लेता हूं तो मैं यहाँ पे 4 लूंगा, क्योंकि 8/4 जो होगा वो 2 होगा, और यहाँ पे मैं 2 लूंगा तो 4/2 2 होगा, ठीक है। तो मैं मेक श्योर कर रहा हूं कि ये दोनों सेटिस्फाई करे, ठीक है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 8/2 4 होगा, तो ये ट्रांजिटिव है। ऐसा कोई भी केस नहीं होगा कि जो ट्रांजिटिव वॉयलेट करे, क्योंकि अगर तुम्हें ये पहले 2 को नेचुरल नंबर रखना है तो ऑब्वियसली ए बड़ा होना चाहिए बी से, राइट। ए बड़ा होना चाहिए बी से। ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो कि पहले 2 केस अगर सेटिस्फाई हो, सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? ये एग्जांपल देखो ना, 2 और 1, 2/1 नेचुरल नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर होता है ना, और 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता, 1/2 तो रैशनल नंबर होता है, राइट, ओके। नो नो, इट विल बी ए बाई सी, सी बाई ए नहीं, ए बाई सी। ओके, देन दिस वन, कौन सा हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर रहे हैं हम लोग,
ठीक है। फोर्थ में ये समझना कि पहली बात तो सिमेट्रिक के लिए मैं ए के जगह बी पुट कर दूंगा, तो ए स्क्वायर माइनस 4A² प्लस 3A², मैंने क्या किया, बी की जगह ए पुट कर दिया, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, जीरो आ रहा है ना, ये जीरो आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, राइट। सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसमें ए बी चेंज हुआ तो सिमेट्रिक नहीं होगा, तो दिख ही रहा है कि मैं अगर ए बी चेंज कर देता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4AB प्लस 3A², तो ये थोड़ा ना, ये कैसे बोलोगे तुम इसको जीरो है, ठीक है, तो ये नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए तुम कोई भी एग्जाम्पल ले लेना, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लेना, ट्रांजिटिव तो नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल लो, मतलब कोई भी एग्जाम्पल लोगे तो मैं ट्रांजिटिव नहीं मिलेगा, ठीक है, तो मैं वॉयलेट करने वाले ही मिलेंगे। इस दिस क्लियर? ओके, लास्ट ये फिफ्थ वाला बताओगे? फिफ्थ वाला तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें देखो ए इज अ सिस्टर ऑफ बी लिखा है, लेकिन इसमें एक कंडीशन लिखा हुआ है कि ए एंड बी इस सेट ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स ही है दोनों, दोनों गर्ल्स ही है, अगर ये मेंशन है तब तो चीजें क्लियर है ना तुम्हें। पहली बात तो ए इज अ सिस्टर ऑफ ए, कोई सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बन रहा, ए इज अ सिस्टर ऑफ ए सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बन रहा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है क्योंकि सेट ऑफ गर्ल्स है, ट्रांजिटिव भी है कि ए अगर सिस्टर है बी के और बी अगर सिस्टर है सी का, तो ऑब्वियसली ए और सी सिस्टर हुए, राइट। ये क्लियर है? हाउ नॉट रिफ्लेक्सिव? कह ए ए इज अ सिस्टर ऑफ ए, इसका क्या मतलब है, जैसे ए की जगह किसी का नाम ले लेते, प्रिया, प्रिया इज अ सिस्टर ऑफ प्रिया, एक मतलब वो सेम पर्सन, दो डिफरेंट प्रिया नहीं, ठीक है, सेम पर्सन, ठीक है, तो उसमें कोई सेंस नहीं बन रहा ना इसका, तो कैसे रिफ्लेक्सिव होगा? मुझे पता था तुम लोग यही बोलो, ये दोनों बच्चों का नाम प्रिया हुआ तो वो सेम ही सेम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सेम पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है, उनका आधार कार्ड, उनका जो नंबर है वो सेम है, ठीक है। हाँ, मुझे ये बताओ सिक्स्थ वाला, अब सिक्स्थ वाला बताओ। ये तुम पूछ रहे हो, ओमकार बता रहे हो, पूछ रहे हो, बता रहे हो, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, कैन मतलब क्या इसका क्या जवाब दूं मैं तुम्हें, बताओ, कैन अ गर्ल बी अ सिस्टर ऑफ हर सेल्फ, इसका क्या जवाब दूं मैं, नो, थोड़ा कॉमन सेंस नहीं है इसमें, ठीक है। सिक्स्थ वाला मेरे को बताओ जल्दी से, रिफ्लेक्सिव, ए इज परपेंडिकुलर, दो लाइन है ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है, तो ए इज परपेंडिकुलर टू ए, कोई सेंस नहीं बन रहा इसका, ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो सिमेट्रिक तो है। अभी ट्रांजिटिव ये, अच्छा, इन अ प्लेस नहीं है, इन अ प्लेन है, ठीक है, ये मिसप्रिंट, फिर से इन अ प्लेन, तो इन अ प्लेन मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी, और अगर बी से तुम्हें कोई परपेंडिकुलर बनाना है, एक और परपेंडिकुलर, या तो तुम ऐसा बना सकते हो या तो तुम ऐसा बना सकते हो, राइट, तो अगर ये सी हुआ या फिर ये सी हुआ, तो ये दोनों ही ए के परपेंडिकुलर नहीं हुए ना, ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड बी इज परपेंडिकुलर टू सी,
बट ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू सी ना, राइट, तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ ये. इज दिस क्लियर? हाँ, अगर ये 3D में होता तो पॉसिबिलिटी होती, ठीक है, पॉसिबिलिटी होती तो भी ये नहीं होता, ठीक है, नहीं, तो अगर ये 3D में होता तो भी तो ये केस हो सकता है ना, तो भी तो ये केस होता ही है ना, तो ये केस वायलेट हो रहा है, राइट. अगर टू डिफरेंट प्लेन्स लिखा हुआ है, कि अगर ऐसा कोई लिखेगा भी नहीं उसमें, इस क्वेश्चन में यही कंडीशन रहेगा, ठीक है. अगर 3D में भी होता तो भी तो 2D उसमें एक मेजर होता ना, राइट, तो वायलेट कर रहा है ना, एक रूल तो वायलेट कर रहा है. ओके, अब मेरे को बताओ सेवेंथ वाला. रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, राइट, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है. ए लेस देन ए, कोई सेंस नहीं बन रहा. ए लेस देन बी और विच इंप्लाइज बी लेस देन ए, इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा. और ये तो परफेक्ट एग्जांपल है तुम्हारा ट्रांजिटिव का, ठीक है, ये ही परफेक्ट एग्जांपल है ट्रांजिटिव का, ठीक है, ये तुम्हारा परफेक्ट एग्जांपल है ट्रांजिटिव का, कि अगर बी ए इज लेस देन बी, मतलब अगर मैं लिखूं टू इज लेस देन थ्री एंड थ्री इज लेस देन फाइव, ऑब्वियसली थ्री विल बी लेस देन, ऑब्वियसली टू विल बी लेस देन फाइव, है ना, राइट, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ट्रांजिटिव, ये बात समझ आ रही है. ओके, अब लास्ट वाला बताओ. ये लास्ट वाला पूछा जा चुका है फिर से, मैं कहीं तो पूछा है, KVPY में पूछा है मेरे ख्याल से, ठीक है. रिफ्लेक्सिव होगा. एग्जाम्पल बताओ मेरे को, एग्जाम्पल बताओ. जैसे अगर तुम बोल रहे हो रिफ्लेक्सिव होगा तो क्या एग्जाम्पल है? ए इज लेस देन इक्वल टू ए क्यू. अरे तो भाई हर केस में वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक केस निकाल लिया जिसमें वैलिड है वो रिफ्लेक्सिव हो गया, ऐसा नहीं. यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्सिव है ना, हर केस में रिफ्लेक्सिव है. ये ए डिवाइड बाय बी, हर केस में वो नेचुरल नंबर देगा. ए प्लस बी, ए प्लस ए, हर केस में इवन होगा, ठीक है. ओके, मतलब अगर तुम इसमें कुछ भी पुट करो तो ये वैलिड नहीं है भाई. टू पुट करोगे, मतलब वन बाय टू पुट करोगे अगर, तो ये वन बाय एट हो जाएगा, राइट. ए को अगर वन बाय टू पुट करोगे तो ये वैलिड नहीं है. नेगेटिव नंबर्स पुट करोगे तो वो वैलिड नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, ठीक है. अभी ये KVPY में आया होता, तुम लोग बोल रहे थे ना इजी है, ये KVPY में आया होता तो तुम अभी गलत हो जाते, रिफ्लेक्सिव में गलत हो जाते, आगे तो बढ़े ही नहीं हम लोग. ठीक है, और बताओ सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, कैन भी नहीं होता सिमेट्रिक, विल बी सिमेट्रिक और इट वोंट बी सिमेट्रिक, कैन भी नहीं. ओके, इसमें कैन का सवाल ही नहीं है, इसमें विल का सवाल, विल बी सिमेट्रिक. तुम्हें इसमें एग्जांपल तुम्हें ऐसा देखना है, ठीक है, कि वॉयलेट हो, ठीक है, तुम्हें कोशिश करना है कि वॉयलेट करने की. अगर नहीं होता वॉयलेट तब वो सिमेट्रिक होगा. ऐसा कोई भी एग्जांपल नहीं है जिसमें वॉयलेट नहीं हो रहा. मैं लिख दूं एग्जांपल, मतलब टू इज लेस देन टेन क्यू एंड टेन इज लेस देन
टू क्यूब, यही इनवैलिड हो गया, राइट, है ना। एट इज नॉट लेस देन टू क्यूब ना, है ना, सिमेट्रिक भी नहीं है। ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हें जेई में, ठीक है, केवीपी बाय में, तुमसे वो गलती होगा, वो जानबूझ के ऐसे देते कि तुम फंसोगे उसमें। अगर वॉयलेट नहीं हुआ तो सिमेट्रिक होगा, है ना, राइट, समझ आ रहा है। लास्ट वाला बताओ, ट्रांजिटिव, फिर से, अरे तुम ऐसा देखो ना कि ट्रांजिटिव ऐसा कोई, ऐसा मतलब को तुम्हें कोई केस ही नहीं मिल रहा है, तुम्हें कोई केस ही नहीं मिल रहा है कि वॉयलेट हो। फिर से लिख दूं, सेम केस ही लिख दूं क्या मैं? पहला, पहले दो केस मुझे वैलिड करने, टू इज लेस देन लेट्स से टू इज लेस देन फाइव क्यूब, और फाइव इज लेस देन टेन क्यूब, तो एंड टू इज लेस देन मुझे कैसे लिखना चाहिए, पहले यहां पे बड़ा लिखना चाहिए मेरे को, यहां पे मैं लिखता हूं टेन, टेन इज लेस देन फाइव क्यूब, ठीक है, फाइव इज लेस देन टू क्यूब, है ना, और यहां पे आ जाएगा टेन इज लेस देन टू क्यूब, तो ये वॉयलेट हो गया फिर से, ठीक है, ऑलराइट, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इज दिस क्लियर? ऐसे ही फंसाएंगे तुम्हें, इक्वल टू साइन क्यों है, क्योंकि इक्वल, इक्वल वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो तुम, इसलिए। एम्प्टी रिलेशन नहीं है, कुछ तो रिलेशन आएंगे ही ना, एम्प्टी रिलेशन का मतलब एक भी रिलेशन नहीं आए, कुछ तो आएंगे इसमें रिलेशन, मतलब जैसे तुम टू टू फाइव टेन ही ले लोगे तो ही रिलेशन वैलिड हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे आउटपुट आएंगे जिसमें ये रिलेशन वैलिड होंगे, तो एम्प्टी रिलेशन थोड़ी ना होगा ये, ओमकार, वेट, आई गिव यू द आंसर, इफ इवन वन केस वॉयलेट्स इट डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन, राइट, इफ वन केस वॉयलेट्स इट डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, राइट, it should be valid for every cases, okay, so we are done for today, but ek cheez mere ko tum logo ko but puchna hai tum logo ko, mujhe ek ek acha question hai, matlab advance ka question hai, theek hai, aur matlab give away hai tumhare liye ki wo tum try karo karne ka, okay, jo try kare obviously jo aim kar raha hai IIT usko ye sab tumhe try karna hi padega, एक सेकंड, चैप्टर खत्म, राइट, मुझे बस एक चीज पूछना है, एक एडवांस की चीज है, मुझे एक चीज तुम लोग से ये पूछना है कि मैंने तुम लोग से ये पूछा था कि एन, जैसे ए में एन एलिमेंट्स है, बी में एम एलिमेंट्स है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये मैंने पूछा था तुम लोग से, तुम लोग ने बोला था एन इन टू एम, राइट, फिर मैंने पूछा था नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो तुम लोग ने बोला था टू टू द पावर एन इन टू एम। अब मैं एक और चीज पूछता हूं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे इस केस में, और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, और ट्रांजिटिव रिलेशन तुम्हारे परव्यू में नहीं है, तुम मतलब वो रिसर्च टॉपिक है, एक आध रिसर्च पेपर निकला उस पर, वो तो हम लोग निकाल, वो तुम नहीं निकाल सकते, तुम्हारे परव्यू में नहीं, ये तुम लोग निकाल सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा, ओके, तो ट्राई करना ये,
ऑल राइट ओके, इसको आंसर आता है तो मेरे को बताना नेक्स्ट क्लास में. ऑल राइट, जीरो कैसे होगा श्रेय? क्या जीरो कैसे? सिमेट्रिक रिलेशन अभी तो कितने सारे हैं. हाँ यश बताओ, क्या नहीं समझा तुम बता दो, मेरे पास अभी टाइम है तो मैं बता, जिसको जाना है जा सकता है. थैंक यू वेरी मच. इजी था, क्या प्रॉब्लम है इसमें? एक क्वेश्चन आया था ओमकार का, सर डाउट अ गर्ल बीइंग अ गर्ल ऑफ हरसेल्फ, दिस कैन बी ट्रू इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस. यहाँ पे तुम क्या क्या सोच रहे हो ओमकार? मतलब ये सब का कोई वो है क्या, मतलब जो तुम बता रहे हो? ट्विन सिस्टर हो भी तो उससे हमें मतलब नहीं है ना. जो एक इंडिविजुअल है वो तो सिस्टर नहीं हो सकती खुद की ना, राइट ओमकार? या क्लास इज ओवर, क्लास इज ओवर. ओके गाइस, क्लास इज ओवर. जिसको अगर कुछ डाउट है स्पेसिफिकली वो पूछ सकता है, इस लेक्चर के अकॉर्डिंग भी कुछ